खबर राजधानी देहरादून से है, जहां डोईवाला के बूलावाला क्षेत्र में जंगली हाथी लगातार किसानों की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। बता दें कि बीती रात एक बार फिर से जंगली हाथियों ने किसानों की गन्ने की फसल को बड़े मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों की लगातार हो रही आवाजाही से परेशान किसानों ने हाथियों की रोकथाम के लिए कई बार वन विभाग से मांग करी है कि जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, लेकिन वन विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते नाराज किसानों ने लच्छीवाला रेंज का घेराव करने का फैसला लिया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे यहाँ डोईवाला के, हमारे बुल्ला वाला, झबरा वाला और हमारा मोमटन बस्ती, मतलब पूरा एरिया जो है कि हाथी का एक आतंक सा फैला हुआ है, जिससे कि जैसे कि कल भी काफ़ी मात्रा में पूरा झुंड हाथियों का आया और बहुत सारा किसानों का नुकसान उसमें हुआ। हमने इसके बारे में वन विभाग को कई बार हम ये अपील कर चुके हैं कि वो हमारी किसानों की कुछ मांगे हैं, या तो फिनिशिंग लाइन या बाउंड्री वॉल कुछ भी हो, बस हमें ये कह देते हैं होएगा होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारी सुनवाई अगर यहाँ नहीं हो रही है तो हम इसको कल लच्छीवाला रेंज में इसका वो करेंगे, घेराव करेंगे और पहले फिनिशिंग लाइन या बाउंड्री वॉल कुछ तो इंतजाम हम यहाँ किया जाए। किसान अपने खेतों की खुद ही रखवाली कर रहे हैं, वो पूरा रात भर खेत में अपनी रखवाली कर रहे हैं, थोड़ा सा एक साइड से रखवाली करते तो दूसरी साइड से गुजर, लेकिन वन विभाग अपना चद्दर डाल के आराम से सो रखे, वो कभी भी कोई गश्त नहीं करते।